एवरी वन वेलकम बैक टू एस एस क्लासेज माई ने इस शाइस्ता परवीन एंड यू आर वाचिंग एस एस क्लासेज सो माई ऑल डियर स्टूडेंट टूडे आई विल डिस्कस द फिजिक्स क्लास सेवन आई सी एस सी बोर्ड चैप्टर नंबर सेवन विच इज द नेप्टर इज द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट द सीरीज सर्किट्स एंड पैरल सर्किट्स इन द बिफोर वीडियो हमने से पहले की वीडियो में हम लोगों ने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था उसी के दो टॉपिक इसमें से निकल के आ रहे हैं कि जो अपलाइंट्स होते, होते हैं वो डिफरेंट टाइप के सर्किट्स में डिवाइड होते हैं पहला जो होता है सीरीज सर्किट्स होता है एंड सेकेंड होता है पैरेलल सर्किट्स तो अभी आप लोग को इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना है ठीक है फिर मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर आपको यदि कोई दो बल्ब दिए जाए ठीक है अगर मैं आपको एक बल्ब दूँ एक बल्ब दूँ मैं आपको ठीक है और एक सेल दूँ और कुछ वायर दे दूँ तो आप उस बल्ब को सेल से कैसे जोड़ेंगे किस तरीके से कनेक्ट करेंगे तो आप लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाला जो है हमारा बल्ब है मान ली ये तार दे दिया सेल दे दिया तो आप लोग कुछ इसी तरीके से इस डायग्राम में जैसा शो किया है वैसे ही आप लोग दिखाओगे ना कि इस तरीके से शो करोगे कि इन दोनों तारों को जो नेगेटिव और पॉजिटिव है उनको जोड़ दोगे इससे बल्ब से और यहाँ सेल लगा दोगे तो वो बल्ब क्या हो जाएगा इसमें सर्किट हमारा क्लोज टाइप हो जाएगा और फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो करंट है वो फ्लो करने लगेगा और वो बल्ब क्या हो जाएगा जलने लगेगा तो ये था इस तरीके से आप लोग तो करोगे लेकिन अगर मैं उसके जगह पे अगर आपको मैं दो बल्ब दे दूँ तो आप उसको कैसे कनेक्ट करोगे ठीक है हाँ। आओ तो इसी में हम लोग को पढ़ना है इसी, इसी सीरीज़ में हम लोग बताएंगे उस बात को डिस्कस करेंगे कि अगर आपको दो बल्ब दे दिए गए ठीक है तो आप लोग उसे कैसे जोड़ सकते हो ठीक है किस तरीके से आप लोग उसे सेल से या फिर वायर से कनेक्ट कर सकते हो तो पहला आता है उसमें सीरीज सर्किट्स एंड दूसरा आता है हमारा पैलर सर्किट्स तो सीरीज सर्किट में आपको क्या पढ़ना है सीरीज सर्किट में जो हो जितने भी अप्लायंस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं वन आफ्टर अदर ठीक है एक दूसरे के बाद एक के बाद दूसरा तो सेम वैसे ही करंट भी इसमें फ्लो होता है सारे डिवाइस में और अप्लायंस में यूज़ होता है तो अगर कोई एक डिवाइस जो है वो फ्यूज़ हो जाए या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए तो वो दूसरे को भी अफ़ेक्ट करता है ठीक है तो ये सारी डिवाइस को क्या करता है हम उससे दो चार छः जितने भी बल्ब जोड़ दें अगर उसमें से एक फॉल्ट निकल गया उसमें से एक फ्यूज़ हो गया तो वो सारे ही क्या है सारे ही बल्ब फ्यूज हो जाएंगे तो वो भी नहीं जलेंगे सो नॉन ऑफ डिवाइज फंक्शन एज दे आर नो करेंट फ्लोइंग द फॉल्ट अपले अप्लायंस ठीक है तो उसमें अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो उसमें से कोई भी डिवाइस फंक्शन नहीं करेगा कोई भी बल्ब जो है वो फ्लो नहीं करेगा उसमें से करंट नहीं फ्लो होगा और कोई भी डिवाइस जो है वो जलेगा नहीं ठीक है तो इफ़ अ स्विच इज प्रेजेंट इन सीरीज सर्किट देन अगर उसमें स्विच प्रेजेंट हो तो वेन स्विच इज़ ऑन अगर स्विच ऑन होगा तो पोजिशन जो होगी जितने भी अप्लायंस वर्क होंगे वो एक जैसे सिमलटेसली वर्क करेंगे सिर्फ एक स्विच होगा वहाँ पे ठीक है इफ़ स्विच इज़ ऑफ अगर हम स्विच को ऑफ कर देंगे देन नॉन ऑफ अप्लायंस विल वर्क तो कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा मतलब कि एक ही स्विच से वो सारे क्या होंगे कनेक्ट हो गए अगर हमें स्विच ऑन किया तीन बल्ब उसमें लग गए तो तीनों ऑफ हो जाए तीनों ऑन हो जाएंगे हमने स्विच ऑफ किया तो तीन बल्ब लगे चार बल्ब लगे जितने भी बल्ब लगे हैं वो सारे क्या हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे ठीक है तो इंडिविजुअल डिवाइस जो है वो कैन नॉट बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग वनली वन स्विच यानी कि क्या कह रहा है कि कोई भी इंडिविजुअल डिवाइस जो होगी वो ऑपरेटेड नहीं होगी सिर्फ वन स्विच के ऑन या ऑफ होने से इतनी बात समझ में आ गई जैसा कि आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी में दिखाया गया है यहाँ पर दो बल्ब ये सीरीज़ का एग्जाम्पल है सीरीज का क्या एग्जाम्पल है अभी मैंने आपको जब ये वाला चैप्टर पढ़ाया था आपको तो आपको बताया था कि सिंबल के दौरान भी इसको दर्शाते हैं तो सिंबल में ये क्या शो कर रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब को तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बल्ब ये शो कर रहा है ये हमारा क्या शो कर रहा है ये स्विच को क्लोज स्विच को शो कर रहा है यहाँ पर हमारा सेल को शो कर रहा है इस तरीके से ये वाला सिंबल सेल को शो करता है यहाँ पर बल्ब ना बनाकर यहाँ पर हमें सिंबल दे दिया गया है तो यहाँ पर क्या दिखाया है सीरीज सर्किट को दिखाया गया है ये उसके फंक्शन को दिखाया गया किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग को इसके लिए क्या चाहिए हाउ टू सी सीरीज सर्किट फंक्शन कैसे सीरीज सर्किट फंक्शन करता है सबसे पहले इसमें क्या चाहिए दो बल्ब चाहिए हमें एक स्विच चाहिए एक सेल चाहिए और कुछ कनेक्टिंग वायर चाहिए प्रोसीजर क्या है इसका जो कनेक्टिंग हम कनेक्ट कर देंगे दो बल्ब को ए एंड बी जिसका नाम दे दिया हमने एक सीरीज़ में एक सिक्वेंस में सो so, ये स्विच जो होंगे वो शो कर रहे हैं आपको सेवनटीन सॉरी सेवन पॉइंट थर्टीन फीगर में जैसे कि इस फिगर में शो कर रहा है कि वेन स्विच इज़ क्लोज अगर स्विच क्लोज है या फिर उसको टर्न ऑन कर दिया जा रहा है तो करंट फ्लो होगा दोनों में दोनों बल्ब में और ये दोनों ही क्या करेंगे ग्लो करेंगे सिमल्टेनियसली एक जैसे ही यहाँ पर जैसे कि दो बल्ब लगे हुए हैं ये स्विच ऑन ये स्विच का हमारा झटका है जो ऑफ है ठीक है अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इन दोनों में ही लाइट जलने लगेगी अगर बाय चांस इसमें से कोई एक बल्ब ख़राब हो गया फ्यूज़ हो गया फॉल्ट हो गया तो ये वाला भी नहीं जलेगा ठीक है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा नहीं जलेगा तो यही बताया जा रहा है कि सीरीज में क्या होता है के जो रिएक्शन होता है एवरी थिंग स्टॉप वर्किंग ठीक है अगर कोई एक का फंक्शन ख़राब हुआ तो वो सारे ही क्या होंगे स्टॉप कर देंगे स्टॉप हो जाएंगे उनका कोई फंक्शन शो नहीं होगा ठीक है जैसा कि यहाँ पर देखिए दिया दिखाया गया इफ वन ऑफ द बल्ब आई होप आप लोग को दिख रहा हो इफ़ वन ऑफ द बल्ब इज़ रिमूव और वन ऑफ द बल्ब इज़ फ्यूज देन ऑन टर्न ऑन स्विच ऑन द अदर बल्ब डज नॉट ग्लो द सर्किट इज़ इनकम्प्लीट दैट इज़ देयर इज़ नो क्लोज पाथ फॉर फ्लो करेंट अगर हम लोग इसमें से कोई एक बल्ब को निकाल दें हटा दें वहाँ से या फिर फ्यूज़ कर दें या फिर फ्यूज़ हो जाए वो तो अगर हम उसे स्विच ऑन करेंगे तो दूसरा बल्ब भी चमकेगा नहीं ग्लो नहीं करेगा या फिर जलेगा नहीं क्योंकि वहाँ पर सर्किट इनकम्प्लीट होगा सर्किट जो है वो क्लोज नहीं हो पाएगा वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा तो इस वजह से वहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी तो इससे कॉन्क्लूज़न क्या निकलता है ये कॉन्क्लूज़न निकलता है कि जितने भी सीरीज़ कनेक्शन होता है वो तभी ऑपरेटेड होंगे जब जो दोनों डिवाइस ही काम करेंगे ठीक है अगर इसमें से कोई एक भी जो है डिसकॉन्टिन्यूस हुआ या फिर कोई एक भी खराब हुआ तो सर्किट क्या है स्टॉप कर जाएगा वहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा और फिर वो फंक्शन भी नहीं करेगा और बल्ब भी नहीं जलेगा तो आप लोग अपने घरों में देखते हो तो आपके घरों में जो है जो भी पंखा है फैन है या फिर फ्रिज वगैरह है या फिर टेलीविज़न है या फिर बल्ब वगैरह है तो उसके लिए सबके लिए क्या होता है अलग अलग स्विच होता है क्या अगर आप फ़ैन का स्विच ऑफ करते हो तो लाइट भी ऑफ हो जाती है या फिर टेलीविज़न भी ऑफ हो जाता है नहीं ऐसा नहीं होता इसका मतलब कि आप लोग के घर में घर में सीरीज़ सर्किट्स काम नहीं करता है ठीक है सबके लिए अलग अलग स्विच होता है अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो लाइट ही ऑन होगी फ़ैन नहीं ऑन होगा अगर हम लाइट को ऑफ करेंगे तो लाइट ही ऑफ होगी फैन नहीं ऑफ़ हो जाएगा ऐसा नहीं होता है ठीक है ऐसे ऐसा कहीं पर हो रहा है तो वो वहाँ पर कौन सा सर्किट यूज़ हो रहा है पैरलर सर्किट यूज वेल मेनली सब सब जगह क्या होता है सीरीज सर्किट जो है वो यूज़ होता है ठीक है तो पैरलर सर्किट की बात करें तो यहाँ पर पैरलर सर्किट के देखिए क्या होता है कि पैरलर सर्किट में इसका हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सर्किट जो ऐसा डिवाइस जो अप्लायंस कनेक्टेड होंगे सच डेट वन टर्मिनल ऑफ ईच अप्लायंस एंड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ़ द सेल अदर टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल सो करंट फॉर्म द गेट्स डिवाइडेड ठीक है यहाँ पर जो है हम लोग एक सीक्वेंस में ना करके ऊपर नीचे लगाते हैं बल्बों को जिससे हमें शो क्या करता है वहाँ पर जो है करंट का फ्लो प्रॉपरली हो जाता है और अगर किसी एक का स्विच हम लोग ऑफ करेंगे तो वो एक ही ऑफ होगा दूसरा वाला जलता रहेगा अगर वो ऑन है तो ठीक है तो यहाँ पर वही समझाने का मतलब है कि डिफरेंट करंट फ्लो होगा हर अप्लायंस में स्विच कैन बी यूज टू कंट्रोल वनली वन, वन अप्लायंस कोई भी एक स्विच जो है सिर्फ एक ही अप्लायंस को काम करेगा जैसे बताया कि फ़ैन लगे फ़ैन का खटका हो फ़ैन हो रेफ्रिजरेटर हो बहुत सारी चीज़ें हो तो हम अगर फैन का खटका ऑन या ऑफ़ कर रहे हैं तो फ़ैन ही ऑन ऑफ होगा रेफ्रिजरेटर पर कोई असर नहीं पड़ेगा तो वही बता रहा है कि ए स्विच कैन बी यूज टू कंट्रोल वनली वन अप्लायंस द मैनू यहाँ पे क्या लिखा है फिर माल फंक्शन इज वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर डिवाइस कोई एक के खराब हो जाने से किसी एक के फ्यूज हो जाने की वजह से दूसरे पे इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई दूसरा डिवाइस इसमें कमज़ोर नहीं पड़ेगा तो फिर हमें इसकी एक्टिविटी फोर में देखना है कि ये कैसे होता है तो यहाँ पर देखिए टू सी हाउ अ पैरलर सर्किट फंक्शन पैरलर सर्किट्स अब कैसे फंक्शन करता है हम लोगों ने सीरीज सर्किट्स के बारे में पढ़ लिया ठीक है अब हम लोग देखते हैं पैरलर सर्किट्स कैसे फंक्शन करता है तो हम लोग के घरों में कौन से सर्किट्स पाया जाता है पैरलर सर्किट्स पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग स्विच वगैरह होते हैं ठीक है थीके? अगर कैसी कंडीशन पाई जा रही है कि अगर एक को हम एक ही स्विच है सभी के लिए और सारे ही क्या कर रहे हैं फ्यूज़ हो जा रहे हैं एक साथ या फिर सीरीज सर्किट वहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा तब हम वहाँ पर कहेंगे कि वहाँ पर सीरीज सर्किट्स है फिलहाल अभी हम बात करें पैरलर सर्किट की तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मटेरियल हमें क्या क्या लेना है टू बल्ब्स लेने हैं टू स्विचेस लेने हैं ठीक है और उन दोनों में को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे वायर चाहिए होंगे हमें तो प्रोसीज़र क्या है कि जब हम दो बल्बों को ठीक है कनेक्ट करेंगे पैरलर में जैसा कि आपको ये दिखाया गया है पैरलर में कनेक्ट करेंगे तो बोथ बल्ब क्या करेगा ग्लो करेगा व्हेन द स्विच आर पुट ऑन अगर हम स्विच ऑन करेंगे तो दोनों ही बल्ब क्या करेंगे ग्लो करने लगेंगे जैसे कि इसमें दिखाया गया है यहाँ पर दो बल्ब लगे हुए हैं ये दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं ठीक है थीके? और यहाँ पर ये स्विच है यहाँ पर स्विच लगा हुआ है और ये हमारे सेल से कनेक्टेड है तो टू बल्ब जो है पैरलर लाइन में जुड़े हुए हैं अगर हम एस वन का ये हमने मान लिया इसका स्विच अलग है इसका स्विच अलग है अगर हम एस वन का स्विच ऑन करेंगे तो एस टू इज़ ऑफ होगा ठीक है देन वनली वन बल्ब जो है वो ग्लो करेगा अगर हम दोनों को ऑन करेंगे तो दोनों का जलेगा अदर बल्ब बी जो है डज नॉट ग्लो सिमिलरली वेन स्विच एस टू इज़ ऑन यहाँ पर एस वन एस टू आपको स्विच डिनोट कर रहा है अगर हम लोग एस टू को ऑन करेंगे तो एस वन ऑफ होगा वनली वन बल्ब ठीक है बी इज़ ग्लो तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाई दे रहा है ठीक है अगर इसमें कोई एक बल्ब ख़राब भी हो गया फ्यूज़ हो गया फॉल्ट हो गया उसमें तो दूसरे बल्ब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया ये वाला बल्ब देखिए इसका स्विच वन है यहाँ पर स्विच टू है ये सेल से कनेक्टेड है यहाँ पर ये जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर एक सर्किट पूरा हो रहा है ठीक है इस बल्ब से इस तरीके से जा रहा है यहाँ पर ये सर्किट टूट रहा है फिर नेक्स्ट सर्किट यहाँ से यूज़ हो रहा है ठीक है वैसे ही हमारे इसमें सेपरेट स्विच हैं कैन ऑपरेट वन बल्ब इसको हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से भी लगा सकते हैं यहाँ पर जो है किसी भी बल्ब को या ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए सेपरेट स्विच दिए हुए हैं अलग अलग स्विच दिए हुए तो इफ़ वन ऑफ द बल्ब ईज फ्यूज अगर हमने कहा कि बी वाला जो है वो फ्यूज हो गया बी वाला बल्ब फ्यूज हो गया देन ए स्टिल ग्लो तो स्टिल मतलब क्या है कि जो ए वाला है वो ग्लो करता रहेगा जलता रहेगा वेन द स्विच आर टर्न ऑन जब तक कि हम स्विच को ऑफ ना कर दें जब तक स्विच ऑन ऑन रहेगा तब तक वो जलता रहेगा फ्यूजिंग और मल फंक्शन ऑफ वन डज़ नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर जैसा कि सीरीज़ में क्या हो रहा था कि अगर एक स्विच ऑफ का कर दिया तो सारे ही ऑफ हो जाएंगे सारे बल्ब सारे एक साथ क्या होंगे ऑफ हो जाएंगे या एक फ्यूज़ हुआ है तो दूसरा भी फंक्शन नहीं करेगा या सारे ही फंक्शन नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पर उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई एक फ्यूज़ हो गया है तो दूसरे पर उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर आपका पैरलर सर्किट्स में आपका क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि इन पैरलर सर्किट्स ईच अप्लायस वर्क इंडिविजअली ठीक है तो पैरलर सर्किट्स में जो होता है कि सारे जो सर् जो भी अप्लायंस होते हैं वो अपने काम को करने के लिए इंडिविजुअली अपेलेबल होते हैं ठीक है तो अदर डिवाइस स्टिल वर्क अगर कोई एक फेल भी हो जाता है तो अदर डिवाइस क्या होंगे स्टिल वर्क करेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आज हम लोगों ने सीरीज सर्किट्स एंड पैरल सर्किट्स को पढ़ा है क्लास सेवन के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा थैंक यू फिर वॉचिंग